हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स लामा पर। तो आज हम लोग जानेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होती है, और हम ये भी जानेंगे कि इनके बीच क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंतर को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर असल में क्या होती है। दोस्तों, जब कंपनी को कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होती है, तब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, और पब्लिक से पैसा लेने के लिए कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, जिसे हम लोग पब्लिक इशू कहते हैं। अब इस शेयर को दो भागों में बांटा गया है, पहला है इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। बात करें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की, तो इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर या ओनर शेयर भी कहा जाता है। इस शेयर को खरीदने वाले के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर बात करें प्रेफरेंस शेयर की, तो ये भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर खरीदने वाले के पास वोटिंग राइट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तब प्रॉफिट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है। मान लीजिए कि आप और आपका एक फ्रेंड जिसका नाम राहुल है, दोनों एक ही कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, जिसमें आपने इक्विटी शेयर को खरीदा और आपके फ्रेंड राहुल ने प्रेफरेंस शेयर को खरीदा। वैसे दोनों एक ही कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है, तो आइए इसके बारे में वन बाय वन जानते हैं। नंबर वन, डिविडेंड, जिसका मतलब प्रॉफिट होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तब कंपनी प्रॉफिट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी एग्जाम्पल के हिसाब से आपके फ्रेंड राहुल को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। नंबर टू है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटिंग। जब कंपनी बंद होने वाली होती है, तो कंपनी के कैपिटल को शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है, लेकिन ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटिंग में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल का हिस्सा दिया जाता है, फिर उसके बाद अगर पैसा बचता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। नंबर तीन है वोटिंग राइट्स। कंपनी के किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये वोटिंग राइट नहीं होते। नंबर चार है रेट ऑफ डिविडेंड। बात करें रेट ऑफ डिविडेंड की, तो प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है, जबकि इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।